दूसरी बार 29 मई को शपथ ले सकते हैं। 2014 को उन्होंने 26 मई को शपथ ली थी, पर इस बार 23 मई को मतगणना ही हुई और पूरे नतीजे आने में 24 मई बीत गई। वहीं आपको बता दें, शपथ लेने से पहले मोदी सरकार 5 कदमों का इंतजार करेगी। आइए आपको बता दें क्या है ये 5 कदम। नंबर 1, आज शाम कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की जाएगी। इसमें 16वीं लोकसभा विघटित किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में एक प्रस्ताव रखने वाले हैं। ये प्रस्ताव पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए होगा। इसके पारित होने के बाद प्रधानमंत्री बैठक में आएंगे। नंबर 2, आज शाम को ही पीएम मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके बाद नई सरकार बनाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। नंबर 3, बीजेपी के नए संसद सदस्य 25 मई को मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेंगे। ऐसी खबरें हैं कि पीएम मोदी 29 मई को शपथ लेंगे। इसके बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। नंबर 4, मोदी और बीजेपी और एनडीए के अन्य नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे, वे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 29 मई को सरकार का शपथ समारोह होगा। इससे पहले मोदी अपने मंत्रियों के नाम तय करेंगे। चुनाव आयोग सारे विजयी सांसदों की सूची राष्ट्रपति को सौंपेगा। ये सूची 25 तारीख को सौंपे जाने की संभावना है। और नंबर 5, 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में भाजपा ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी की। अभी तक के नतीजों के अनुसार बीजेपी 299 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 4 सीटों पर अभी आगे चल रही है। इस तरह बीजेपी ने अकेले दम पर ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। तो ऐसे में ये थे वो 5 कदम जो प्रधानमंत्री मोदी को शपथ लेने से पहले पूरे करने होंगे। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।